मम्मा खाना कब बनेगा? बहुत भूख लग रही है। बस बेटा थोड़ी देर में तैयार होने ही वाला है। मम्मा आज ईद है, हमारे घर भी गोश्त पकेगा। बेटा जिन लोगों ने कुर्बानी की है, जब वो अपने डीप फ्रीजर भर लेंगे तो हम गरीबों के घर भी गोश्त भेज देंगे। ईद तो हमारी भी है बेटा, हम भी गोश्त खाएंगे। हेलो, हाँ कुर्बानी हो गई यार, अल्हम्दुलिल्लाह। 3 लाख रुपए का मिल गया था यार, अच्छा मिल गया। हाँ आ रहा है ना रात को? हाँ तेरी भाभी ने बिल्कुल भर लिया यार, डीप फ्रीजर फ्रिज वगैरह सारी रहने रखनी है। अच्छा बात सुनना, आज रात को बारबेक्यू पार्टी भी रखी है। मैं बस ये पड़ोस में मैंने गोश्त देना है, फिर मैं फारिग हूँ, फिर मैं करता हूँ तुझसे बात, ठीक है? ओके अल्लाह हाफिज़। मम्मा ये पड़ोस वाले अंकल गोश्त दे के गए। या अल्लाह तेरा शुक्र। इस कुर्बानी में तो गरीबों का भी हिस्सा होता है ना। ये हड्डियां तो जानवर भी नहीं खाते, मेरे इंसान के बच्चे कैसे खाएंगे।